तो दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 9 का जो मैच नंबर 44 था वो खेला गया पटना पायरेट्स और यूपी योद्धा की टीमों के बीच में। बहुत ही शानदार ये मैच रहा। इस मैच को यहाँ पर दोस्तों पटना पायरेट्स की टीम ने जीता, लेकिन इस मैच में यहाँ पर दोस्तों प्रदीप नरवाल ने यूपी योद्धा की टीम के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एक रेड में यहाँ पर 5 पॉइंट हासिल किए। इस रेड में यहाँ पर दोस्तों जब प्रदीप नरवाल रेड करने के लिए गए तो यहाँ पर सामने पटना पायरेट्स की टीम का 6 का डिफेंस ने यहाँ पर दोस्तों डिफेंस में उन्हें थाई होल्ड करने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पर प्रदीप ने शानदार स्केप किया। उन्होंने कई बार यहाँ पर लाइन को टच करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लास्ट में उनका जो हाथ था वो लाइन को क्रॉस कर गया और 5 डिफेंडर्स को उन्होंने एक ही रेड के अंदर आउट कर दिया। प्रदीप नरवाल की इस 5 पॉइंट की रेड को देखकर यहाँ पर फैंस बहुत ही खुश दिखाई दिया। यहाँ पर सभी फैंस खुशी से झूम उठे इस रेड के साथ। यहाँ पर युपयोद्धा की टीम ने बहुत ही शानदार कमबैक किया इस मैच के अंदर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसके बाद भी युपयोद्धा की टीम इस मैच में हार गई। लेकिन जो प्रदीप नरवाल उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, उन्होंने यहाँ पर इस मैच में टोटल 15 रेड लगाए, जिसमें उन्होंने 12 यहाँ पर रेड पॉइंट हासिल किए, जिसके अंदर उन्होंने 10 टच पॉइंट और 2 यहाँ पर बोनस के पॉइंट हासिल किए। लेकिन ये जो रेड थी वो बहुत ही शानदार थी। यहाँ पर दोस्तों प्रदीप नरवाल का शानदार स्केप था और एक बार फिर से में जो डुप किंग और रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल हैं उनकी झलक दिखाई दी। पिछले 3 मैचों में प्रदीप नरवाल का ये 3rd 10 था उनके द्वारा लगाया गया, बहुत ही शानदार था। और यहाँ पर दोस्तों प्रदीप नरवाल इस बार हमें प्रो कबड्डी सीजन 9 के शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर कमेंट कर जो बताए कि प्रदीप नरवाल इस सीजन में कितने पॉइंट स्कोर करने वाले हैं। और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।